गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नितिस अठौर ब्लॉग्स। और आज दार्जिलिंग के इस ब्लॉग में आपको लेके चल रहे हैं हम HMI से। अब आप चल रहे हैं दार्जिलिंग रंजीत वैली रोपवे पे, और यहाँ पे जो है कि रस्सी में जो होता है उस तरीके से आप बांध के पूरे दार्जिलिंग को ऊपर से देख सकते हैं रोपवे के थ्रू। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, अंदर ब्लॉक करना कितना अलाउड होता है कितना नहीं देखते हैं इसको, और फिर लेके चलते हैं क्या क्या चार्जेस हैं, कितने लोग जा सकते हैं, एक बार में कितने लोग बैठते हैं, और जितने भी डिटेल्स हैं आप सभी को लेके मैं चलता हूँ दार्जिलिंग रंजीत रोपवे पे। और यहाँ पे जो है टिकट काउंटर पे हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको पर टिकट जो है एडल्ट्स के लिए 260 रुपये देना पड़ता है, और छोटे बच्चे के लिए आपको देना पड़ेगा 130 रुपये। टाइमिंग जो है 40 मिनट के आसपास आपको दिया जाएगा घूमने के लिए। टोटल डिस्टेंस जो है वो 0.05 किलोमीटर, सॉरी यानी कि 5 किलोमीटर आप इस रोपवे का इन्जॉय करेंगे 260 रुपये में। मैं ट्राई बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा हाइट से मेरे साथ जो है कि डर का संभावना है, और थोड़ा सा ये है कि अब ट्रिप में ही डर लगने लगे तो फिर आगे का काम खराब हो जाएगा। आपको ब्लॉग डर डर के दिखाऊंगा जिससे मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, लेकिन 260 रुपये में यहाँ पे डल आ सकते हैं और चाइल्ड 130 रुपये में। तो आगे से आप देखें कुछ सामने से तो इस तरीके से इनकी एंट्री है, और आप अंदर इस तरीके से जा सकते हैं, और कुछ इस तरीके से टिकट लेने के बाद आप मोस्टली इस पर्सन से इस क्यू मीन्स कि एक एक करके कतारबद्ध तरीके में आप आएंगे, और यहाँ से ये एंट्री होती है जो भी लोग आते हैं। अभी थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, और मोस्टली इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ पहले सिस्टम का एक प्रॉपर व्यू, फिर उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको नीचे और दिखाऊँगा कितनी ऊँचाई से आप देखेंगे दार्जिलिंग को। ये वो बॉक्स है जिसमें आप बैठ के विजिट करेंगे दार्जिलिंग के खूबसूरती को। ये बॉक्स है, अगर आवाज़ यहाँ से क्लियर नहीं आती है तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा या फिर लिख दूंगा, आप पढ़ लेंगे कि ये जो बॉक्स है यहाँ से, और ये मशीन चल रही है जिसके थ्रू आप पूरा ये सिस्टम जो है रोटेट किया जाता है, और यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ से आपको चढ़ाया जाएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और वहाँ से फिर आप जा सकेंगे आगे की तरफ। तो वहाँ पे जितने भी डब्बे हैं उसमें पब्लिक को बिठा दे, और वहाँ से वो डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं वहीं से, और ये पूरे दार्जिलिंग में लगभग 5 किलोमीटर तक घुमाते हैं आप लोग। तो ये ऐसे जाते जाते उधर से सब कुछ होते हुए सब घूम के पूरा दार्जिलिंग को आएगा। अच्छा, फिर अच्छा सिक्किम का बॉर्डर भी है। अच्छा, और आप देखिए कि इस तरीके से वहां से आप घूम के जब लौट रहे होंगे तो इस तरीके से आपको लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये काफी बेहतरीन है, आप एंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली आप देखिए 5 किलोमीटर का ट्रेवल होता है, काफी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। वैसे भी दार्जिलिंग जो है वो लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पे है, और उसके बाद आप इस ऊंचाई को इस बॉक्स में बैठ के देखते हैं, काफी बेहतरीन नजारा तो होगा लेकिन थोड़ा सा डरावना भी होगा आपके लिए। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो ये आप देख रहे थे रोपवे पे किस तरीके से 5 किलोमीटर तक घुमाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे घुमाया जाता है। और जैसे ही रोपवे का ये जो एंट्री है, मैं आपको पीछे दिखाऊँ, ये जो एंट्री है इसके ठीक बगल से जो रास्ता है वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको स्नैक्स वगैरह से लेकर सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे आप खा सकते हैं और 5 किलोमीटर तक दार्जिलिंग को देख सकते हैं रोपवे के थ्रू काफ़ी बेहतरीन ऊँचाई से। और आपको बताऊँ कि जो रोपवे है वो कनेक्ट करती है सिक्किम को, और दार्जिलिंग का जो हिस्सा है उसको भी आप रोपवे के थ्रू, मतलब कि डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से आप सिक्किम तक भी पहुँच सकते हैं। रोपवे के पास जब आप आएंगे तो कुछ पोर्शन पे आपको इस तरीके से खाने के कुछ आइटम जो है कि वो मिलेगा आपको, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं थोड़ा सा ये स्लाइड करना मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है बिल्कुल स्लोप वाइज होते हैं, या फिर वो अपर स्लोप होती है या फिर डाउन स्लोप होती है, तो ये मोस्टली डाउन स्लोप पे है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप खाने की चीज़ें को यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, और उलन चीज़ें जो है आपको मिलेंगी काफ़ी बेहतरीन। सामने मैं आपको दिखाऊँ तो सामने एक रेस्टोरेंट भी है, ये यहाँ पे आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी मोस्ट ऑफ द चीज़, और यहाँ पे कुछ सामने भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह जो है, मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको खाने की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। ये बेहतरीन एक हिस्सा है जहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं दार्जिलिंग को। तो ये जो रंजीत रोपवे का जो एक ब्लॉग था, एक छोटा सा ब्लॉग था, इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी क्योंकि मोस्टली आप ट्रेवल करें तभी आप ऊपर से कुछ व्यू दिखा सकते थे, तो मैं ट्रेवल नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है, सो थोड़ा सा इधर हाइट से प्रॉब्लम है।
तो एक ब्लॉक था यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन थी, 260 रुपये में कोई एक एडल्ट जा सकता है, 130 रुपये में कोई जूनियर जा सकता है यानी कि छोटा बच्चा जा सकता है। तो चलिए इस रंजीत रोपवे के ब्लॉक को करेंगे यहीं पे समाप्त, दार्जिलिंग का एक बेहतरीन हिस्सा जिसको कि आप कर सकते हैं काफ़ी आराम से एक्सप्लोर। और चलिए फिर इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूलिएगा नहीं। अगर आपका दार्जिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में आज इतना ही, लगते हैं मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।